रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुँचा तो उसके मुँह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पत्ता या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि काले रंग का पौधा तीन दिन में पेड़ बना है तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कह दिया कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा, ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाला। नमक डालने के बाद एक ही दिन में पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते पांचवें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद कलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।